नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित और आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। विजय कुमार नायडू ये खुद को भगवान विष्णु का कल्कि अवतार बताते हैं। कल्कि महाराज के नाम से फेमस है और कई सारे आश्रम हैं इनके, कई सारे लोग पूजा करते हैं और इस वक्त यही कल्कि महाराज काफी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इनके कई सारे ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है और इस छापेमारी में करीब 500 करोड़ की अघोषित संपत्ति के बारे में भी पता चला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयकर विभाग को ये जानकारी मिली थी कि कल्कि महाराज अपनी संस्था की कमाई को छिपा रहे हैं, जिसके बाद विभाग के 300 अधिकारियों ने छापेमारी की। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में कल्कि महाराज के कई सारे प्रतिष्ठान हैं और इन तीनों राज्यों में करीब 40 प्रतिष्ठानों में छापा मारा गया। 16 अक्टूबर से छापेमारी शुरू की गई और 5 दिन तक चली और इतना कुछ मिला कि अब पुलिस भी डर गई है। अब आपको बताते हैं कि इस छापेमारी में पुलिस को ऐसा क्या मिला जो पुलिस खुद भी डर गई। भारतीय करेंसी के करीब 45 करोड़ रुपए, अमेरिकी डॉलर और दूसरे देशों की करेंसी के करीब 20 करोड़ रुपए और 88 किलो के सोने के जेवर जिसकी कीमत ही लगभग 26 करोड़ रुपए है, 1271 कैरेट के हीरे जिनकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, 409 करोड़ रुपए की कमाई की रसीदें मिली है, यानी कि कुल 500 करोड़ से भी ज्यादा की बेनामी संपत्ति जब्त की गई है। आपको बता दें कि विजय कुमार 70 साल के हैं, LIC में क्लर्क के तौर पर काम करते थे। 1990 के आसपास उसने दावा किया था कि वो भगवान विष्णु का 10वां अवतार है। जीवनाश्रम नाम की एक संस्था खोली अपने भक्तों को शिक्षा देने के लिए। तब से लेकर अब तक विजय कुमार की संस्था चल रही है और कई राज्यों में इसका विस्तार भी हो चुका है। आश्रम का ट्रस्ट विजय कुमार और उनकी पत्नी पद्मावती NKV कृष्णा चलाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से विजय कुमार नायडू यानी कि कल्कि महाराज के ठिकानों पर छापेमारी हुई और करीब 500 करोड़ रुपए की अघोषित आय का खुलासा हो सका है। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है आप हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं और इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की न्यूज एंड अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।